आम आदमी पार्टी यानी आप भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से घिरी है। ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की ओर से एक के बाद एक फोड़े जा रहे लेटर बम ने आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को न सिर्फ मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी पर कट्टर बेईमान होने के आरोपों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और तो और, इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाई है। दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी अपनी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर कई दावे किए हैं, और साथ ही साल 2017 में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए फंड को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा है कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूँ तो फिर आपने मुझ जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। साथ ही कहा कि आपने मुझसे और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था, इसके बदले मुझे पार्टी में कर्नाटक में बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि जैन ने जेल में सुरक्षा और सुविधा दिलाने के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपए वसूले थे। यह सारा पैसा जैन के करीबी चतुर्वेदी के जरिए लिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं जब आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी पार्टी के मंत्रियों से लेकर विधायकों तक पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों में फंस रही है। आपके कई नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे हैं, कई जमानत पर हैं, तो कुछ के खिलाफ पूछताछ चल रही है। तो आइए जानते हैं उन नेताओं के बारे में जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं और जांच चल रही है। तो सबसे पहले बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अपने करीबियों को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाकर बड़ा घोटाला किया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं अगला नाम है सत्येंद्र जैन का। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जून 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जैन पर हवाला के जरिए कोलकाता बेस्ट एंट्री ऑपरेटरों को नकद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। सत्येंद्र जैन अभी भी इस मामले में जेल में बंद है। वहीं अगला नाम है विजय नायर का। आम आदमी पार्टी के नेता और इवेंट कंपनी ओली मच लाउडर के सीईओ विजय नायर को सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद 15 आरोपियों में से गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी हैं। विजय नायर पर यौन दुराचार का भी आरोप लग चुका है। वहीं अगला नाम है विजय सिंगला का। पंजाब में आम आदमी पार्टी के गठन के कुछ दिनों बाद ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर ठेके में कमीशन लेने का आरोप था। पार्टी से बर्खास्त होने के बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं अगला नाम आसिम अहमद खान का है। वर्ष 2018 में दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को हटा दिया था। वहीं अगला नाम है संदीप कुमार का। आम आदमी पार्टी में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री रहे संदीप कुमार वर्ष 2016 में राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला से रेप केस में फंस चुके हैं। इस मामले में उनको जेल भेजा गया। मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने संदीप कुमार को मंत्री पद और पार्टी से बर्खास्त कर दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में नीचे से ऊपर तक डूब चुकी है, ऐसा उस पर आरोप लग रहे हैं। आए दिन पार्टी के नए नए नेताओं पर हैरान करने वाले आरोप सामने आ रहे हैं। आलम ये है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी पर कट्टर बेईमान होने का ठप्पा लगता जा रहा है।